देहरादून जिले के पचवादून क्षेत्र में पड़ने वाली कोतवाली व थानों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां एक ओर देहरादून जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात DIG रैंक के अधिकारी दिलीप सिंह कुमार द्वारा सोमवार को सैंसपुर थाने का औचक निरीक्षण किया गया, तो वहीं मंगलवार को SP देहात कमलेश उपाध्याय द्वारा विकास नगर कोतवाली पहुँचकर परिसर में अनेक जगह निरीक्षण करने के साथ ही कुछ जगह पर सफाई व्यवस्था आदि की कमी पाए जाने पर उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए। SP देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि कोतवाली विकास नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें रखरखाव के साथ ही कुछ चीज़ों को देखा गया, जिसमें साफ सफाई, विद्युतीकरण दुरुस्त करने व लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। SP देहात ने कुल मिलाकर सब जगह संतोषजनक होने की बात कही। SP देहात के कोतवाली दौरे के दौरान विकास नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता के साथ महासचिव भरत कालरा एवं कुछ प्रतिनिधि अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के नाम एक ज्ञापन SP देहात को सौंपने कोतवाली विकास नगर पहुँचे। देखिए, ये अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है कोतवाली विकास नगर का, और इसमें ज़्यादातर तो चीज़ें सब ठीक हैं, बाकी थोड़ा सा सफाई व्यवस्था वगैरह के लिए बताया गया है, और बाकी विवेचनाओं का भी अभी हम चेक कर लिया जाएगा, उसमें भी विवेचनाओं को निस्तारण करने के भी निर्देश वगैरह दिए गए हैं, और संतोषजनक है बाकी निरीक्षण। उत्तराखंड सनसनी YouTube चैनल से जुड़ी सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।